सो हेलो गाइस, यहाँ पर आपका मेरे गेमिंग चैनल प्रवीण 53 गेमिंग में स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक न्यू सीरीज जो कि है गाइस यहाँ पर हैंगर रिव्यू सीरीज। इस सीरीज में मैं बेसिकली करने वाला हूँ कि यहाँ पर आपका जो हैंगर होगा उसको मैं रिव्यू करूँगा, मतलब कि अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको कौन से मैक के ऊपर कौन सा कॉम्बो रखना चाहिए या फिर कौन सा कॉम्बो अच्छा है, कौन सा कॉम्बो चेंज करने की ज़रूरत है या फिर कौन से मैक को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, सब कुछ मैं मतलब कि अपने हिसाब से बताऊँगा कि गाइस यहाँ पर मतलब कि मैं इतना बड़ा तो प्रो नहीं किसी को टिप्स दे सकूँ, बट यहाँ पर मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बताऊँगा, मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी। एंड गाइस यहाँ पर आज की वीडियो में हम दो हैंगर का रिव्यू करने वाले हैं, एक तो गाइस यहाँ पर वीम आयुष और दूसरा हैंगर है एस्ट्रोनाइट का गाइस यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप सब लोग इस सीरीज को सपोर्ट करते हो तो इसके और भी वीडियोस आएंगे गाइस यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम हैंगर देखेंगे वीम आयुष का। तो गाइस उनकी आईडी है गाइस यहाँ पर मुझे पता है उनकी आईडी है 5420205। तो गाइस यहाँ पर इस सीरीज का ख्याल मुझे कैसे आया कि यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो लाइव स्ट्रीम में भी काफ़ी मतलब कि काफ़ी बंदे कमेंट करते हैं कि भाई मेरा हैंगर देखो, कुछ टिप्स दो, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके चलो वीडियो ही बनाए थे। तो भाई वीम आयुष रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, आपको भेज दी है रिक्वेस्ट। तो गाइस यहाँ पर एंगर देखते हैं, भाई मैक एंगर भाई आजा मेरे राजा। तो यहाँ पर एंगर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर ये जो एंगर है इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ टिप्स देने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि आप एंगर तो देखो वी आई एम आयुष का, भाई यहाँ पर आप देख सकते हो गार्डियन है, गार्डियन एकदम मैक्स और उसके पास डबल रेल गन गाइस यहाँ पर, और मतलब कि उसका जो पायलट है वो भी ज़्यादा अपग्रेडेड है, और यहाँ पर किल शॉट है, किल शॉट भी मैक्स और डबल कार्बाइन भाई और हमारा ब्रिक हाउस के ऊपर भाई यहाँ पर लॉन्ग आर्म 10 और लॉन्ग आर्म 8। तो लॉन्ग आर्म 8 और लॉन्ग आर्म 10 को आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बाकी तो सब कुछ आपका अपग्रेड है, बट आपको लॉन्ग आर्म 8 और लॉन्ग आर्म 10 को अपग्रेड करना चाहिए। लॉन्ग आर्म 10 को अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको सेकेंड कॉपी मिल जाएगी, सेकेंड कॉपी को मतलब कि दोनों साइड इसमें लगा सकते हो अगर आप मन चाहे तो, मतलब कि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बोलूँ तो करना ही है। और गाइस यहाँ पर पैंथर पे भाई डबल स्टैटिस बीम 16 भाई है, मतलब कि इनका एंगर देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको मुझे टिप्स देने की ज़रूरत है, मतलब कि ये चाहे तो मुझे टिप्स दे सकते कि भाई तुम अपने एंगर में ये करो वो करो, ऐसा है मतलब कि यहाँ पर। और हमारा जेफियर है उसके ऊपर है गाइस यहाँ पर एक मिसाइल 8 और मिसाइल 12 भाई, बहुत ही बढ़िया, और नोवा पायलट भाई बहुत ही बढ़िया, और पैंथर के ऊपर भी मोको भाई बहुत अच्छे, और पैंथर भी फूल है। तो भाई मुझे नहीं लगता है इनके एंगर को कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, तो भाई आपका एंगर जो है वो एकदम ओपी एंगर है भाई, वी आई एम आयुष भाई बहुत ही अच्छा एंगर है आपका, मुझे पसंद है पर्सनली गाइस। यहाँ पर ये जो पैंथर की जो स्किन है एनफोर्सर, ये स्किन भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगर की तरफ। तो सेकंड एंगर है गाइस यहाँ पर एस्ट्रोनाइट का। तो उनका आईडी है गाइस यहाँ पर 6270948। तो गाइस यहाँ पर इनका एंगर हम लोग देख लेते हैं भाई यहाँ पर सेंड इनवाइट। तो भाई मेरा जो फ्रेंड लिस्ट है वो फुल हो चुके हैं तो मैं आपको इनवाइट नहीं भेज सकता। सो गाइस अगर हम बात करें एस्ट्रोनाइट के एंगर के बारे में, तो भाई सबसे पहले तो मुझे इनका एंगर देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पर मतलब कि देखने में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन गाइस यहाँ पर इसका जो जेफियर है मतलब कि एस्ट्रोनाइट का जो जेफियर है उसकी स्किन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। साइबर समुराई मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्किन है गाइस यहाँ पर, पता नहीं मेरे पास कब आएगी, फिलहाल हम उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, हम बात करते हैं कॉम्बो के बारे में। तो आपको जेफियर के ऊपर लगाना चाहिए मिसाइल रैक 8 वाला कॉम्बो। अब कुछ लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि भाई तूने तो अपने जेफियर के ऊपर पल्स कैनन 8 लगाया है, तो तुम इसको क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पर मिसाइल रैक 8 लगाना चाहिए। तो यहाँ पर उन सभी लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो भी मेरे मतलब कि एकदम ट्रू सब्सक्राइबर है और जो मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं उन सभी को पता होगा कि मैंने जो है वो अपने जो जेफियर है उसके ऊपर पल्स कैनन 8 को क्यों लगाया है। अगर मतलब कि किसी को पता हो तो आप ज़रा कमेंट कर सकते हो गाइस यहाँ पर, तो देखते हैं कितने मेरा ट्रू सब्सक्राइबर है। एंड गाइस यहाँ पर एक और बात की, यहाँ पर इनका जो एक और कॉम्बो है ये जो है ब्रिक हाउस के ऊपर, ब्रिक हाउस के ऊपर उन्होंने कॉम्बो लगाया है ARC टोरेंट 6
प्लस कार्बाइन 12। तो गाइस यहाँ पर इस कॉम्बो के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्बो का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कि मैंने इस कॉम्बो को कभी भी ट्राई नहीं किया, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि ये कॉम्बो अच्छा है बुरा है या फिर आपको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो वो आपकी मर्जी भाई। और अगर हम बात करें किल शॉट के बारे में, तो भाई किल शॉट के ऊपर भी बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, मतलब कि अगर आप चाहो तो मिसाइल एक 8 को आप मतलब कि जेफियर के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन गाइस आप अगर आप ये कॉम्बो रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, या फिर ARC 26 या फिर किल शॉट भी मैक्स है तो आप जैवलिन रैक कॉम्बो भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि आप अगर रखना चाहो तो ये भी कॉम्बो बहुत बढ़िया है, फिर आपको मतलब कि जेफियर के साथ दिक्कत आ सकती है। एंड अगर हम बात करें लास्ट में हमारे गार्डियन के बारे में, अभी पैंथर बाकी है, रुको जरा सबर करो। तो यहाँ पर गार्डियन का जो कॉम्बो है वो तो भाई एकदम, मतलब कि इस कॉम्बो को मैं पहले यूज करता था जब मेरा गार्डियन फुल्ली अपग्रेडेड नहीं था, इससे पहले मतलब कि मैं इस कॉम्बो को यूज करता था। तो यहाँ पर अब आपका जो गार्डियन है वो 6th रैंक के ऊपर है, तो आपको मतलब कि यूज करना चाहिए। यहाँ पर रियल गन के साथ आप कार्बाइन 12 को भी लगा सकते हो, यहाँ पर लॉन्ग गन 10 के बदले रियल गन के साथ कार्बाइन 12 को भी लगा सकते हो, वो कॉम्बो बहुत ही बढ़िया है, मुझे काफी पर्सनली पसंद आया। और अगर हम बात करें हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी लास्ट ही है, तो यहाँ पर हमारा जेफियर कहाँ से याद आ गया, पैंथर है। पैंथर जो है इस यहाँ पर पैंथर के ऊपर भी काफी अच्छा कॉम्बो है, मतलब कि अपन मिसाइल रैक 8 और स्टैटिस बीम 16, बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, मतलब आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो, एक तो रेलगन 16 और लॉन्ग आर्म 8, ये कॉम्बो भी बहुत ही बढ़िया है। तो एस्ट्रोनॉट भाई आपका एंगर काफ़ी बढ़िया है, आपको अगर मतलब कि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो आशा करता हूँ कि आप अप्लाई करोगे, अगर नहीं करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए चिंता मत करना। तो गाइस यहाँ पर आज का मतलब कि ये पहला एपिसोड पार्ट 1 या फिर जो भी आप कह लो वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी, आगे किसी और का एंगर चेक करेंगे आप लोग ज़रा कमेंट करना कि नेक्स्ट किसके एंगर को चेक करें, मतलब कि किसका एंगर का रिव्यू करें। तो गाइस यहाँ पर अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो भाई इसको एकदम बेधड़क लाइक करो, इस यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सीरीज को शेयर करो, मतलब कि पूरे चैनल को ही शेयर कर दो। गाइस यहाँ पर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।